out of you want to be a millionaire right now? If someone doesn't, they can leave the place right now. The option is very open. But if someone wants, they're going to get some tips, practical tips and experiential tips at the same time. So it's my honor to call somebody who's really worth listening. And he's the one who has contributed with his ideas a great deal to the corporate world. He has developed a lot of students as well to understand how they can become millionaire. I'll request worthy next presenter, Mr. Munir Bhatti, to be on the stage. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. So, mujhe jo aaj maujood diya gaya hai, wo is job fair ke hawale se to match nahi karta. Yahan jitni baatein ho rahi hain, wo jobs ke hawale se ho rahi hain. Aur main samajhta hoon ki jobs achhi mil jana khushkismati hai. Jo log yahan par jobs ke liye aaye hue hain, खुदा करे उनको अच्छी जॉब मिल जाए और वो अपना कैरियर स्टार्ट कर सकें. लेकिन मेरा मुखातिब मैं उन लोगों से होना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि उनकी जॉब उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, या वो जो चाहते थे जॉब लेना वो उनको नहीं मिली, और अच्छी जॉब के लिए कोशिश के बावजूद उनको जॉब नहीं मिली. तो मैं उनके बारे उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिली तो आप समझ लीजिए कि खुदा ने आपको चुन लिया है कि आप अपने लिए भी जॉब क्रिएट करें और लोगों के लिए भी जॉब क्रिएट करें. यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. अच्छा, मैं इसमें एक लेक्चर तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं शायद प्रोफेशनल लेक्चरर नहीं हूं. मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि इंसान के अंदर इतनी एबिलिटी है, उसके अंदर इतना टैलेंट है कि अगर वो यूज करना चाहे किसी एक सिमत में, उसको कोई अगर सिमत मिल जाए और किसी एक सिमत में वो यूज करना चाहे और अपनी एफर्ट्स मुसलसल करे तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि वो अचीव ना कर सके. शर्त ये है कि टारगेट रियलिस्टिक बनाया जाए और उस पर मुसलसल मेहनत की जाए. मैंने जब गवर्नमेंट कॉलेज से जब मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस दौरान मैंने मुझे एक शेर कहीं मिल गया और वो शेर को सुन के पढ़ के मेरी जिंदगी में एक अजीब सा तूफान बरपा हो गया. वो शेर मैं आपको सुनाता हूं कि शायद कोई पेशा बदस्त इधर से गुजरे, मैं एक मुजस्मा हूं पत्थर में सो रहा हूं. अब एक मामूली पत्थर के अंदर एक मुजस्मा छुपा हुआ है, तो एक इंसान के अंदर जो खुदादाद सलाहियत है अगर वो उसे इस्तेमाल करे तो मुजस्मा बन सकता है जिसकी लोग इज्जत करें, जिसको लोग अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखें. इसके साथ साथ इंसान को जो जहन खुदा ने दिया है उसके लिए भी एक छोटा सा शेर मैं आपसे बताऊंगा कि जहन को है खुदा सी खुदा की सी तौफीक, जहन अंजुमन तखलीक करता है. अगर आपके पास एक जहन है और आप उसको यूज करना जानते हैं या चाहते हैं तो आप उस जहन को अपने लिए यूज करें, ना कि आप सीवी लेके किसी और के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने जा रहे हैं. अगर आप ये मिलियनर बनना चाह रहे हैं तो ये टॉपिक से मैं मुत्तफिक नहीं हूं. अगर आप मिलियनर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल से मिलियनर बनने का ख्वाब निकाल दें, क्योंकि यह ख्वाब आपको दौलत के पीछे भागने वाला आदमी बना देगा. इसकी बजाय आप अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश करें, वो किसी फील्ड में भी हो. अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिली और वो बिल्कुल मेरी तरह ही हैं जो अपनी एजुकेशन भी अधूरी छोड़ दी हमने, कि हमने जल्दी थी हमें कारोबार करने की और अपना नाम कमाने की. जब मैंने जॉब गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ा, और सिर्फ मैं बताना ही चाह रहा हूं कि कुछ भी नहीं था पास मेरे, एक रुपया भी नहीं था, और मैंने सोच लिया कि मैंने इस मुल्क में एक कामयाब बिजनेसमैन बनके दिखाना है. मैंने एक ख्वाब देखा
کیونکہ ذہن کو جب یہ توفیق ہے کہ وہ انجمن تخلیق کر سکتا ہے تو ذہن اپنے لیے ایک خواب بھی ترتیب دے سکتا ہے. میں نے ایک خواب دیکھا جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ کہ میں اپنے آپ کو 10 سال کے بعد اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کامیاب بزنس مین ہوں, میرے ساتھ انڈسٹری سیٹ کر چکا ہوں. اس خواب کو میں نے اس کی نوک پلک درست کی اور اس خواب کو اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ کوئی سورس بھی نہیں ہے, فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی بزنس مین نہیں ہے فیملی کے اندر, لیکن میں نے بزنس مین بننا ہے اور بن کے دکھانا ہے. سب سے پہلا جو کام میں نے کیا, اب یہ سب سے مشکل کوشچن ہے کہ کام اگر شروع کرنا ہے تو کیا کام شروع کیا جائے, بزنس کون سا کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آس پاس ہر جگہ پہ بزنس پھیلا ہوا ہے. جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں چیئر پہ, یہ کہیں مینوفیکچرنگ ہوئی ہے, کہیں اس کی ہول سیل ہوئی ہے, کہیں اس کی ریٹیل ہوئی ہے, یہ ٹینٹ میں جو فیبرک لگا ہوا ہے کہیں سے بنا ہے, کہیں اسٹچ ہوا ہے, یہ سارے بزنس ہیں. آپ اس میں سے کوئی ایک بزنس آپ چن لیں اور اس بزنس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کا خواب دیکھیں کہ میں نے اس بزنس میں عروج حاصل کرنا ہے اور نام پیدا کرنا ہے. جب آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو ملینئر تو آپ خود ہی بن جائیں گے. اگر آپ اونلی ملینئر بننے کے شوق میں پیسے جمع کرنا شروع کر دیے اور پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کریں گے تو آپ سوسائٹی میں دولت کے پجاری ان ناموں سے مشہور ہو جائیں گے, لالچی, پیسے کا بھوکا, ان چیزوں کو چھوڑ کے. جب آپ بزنس شروع کریں تو پیسے کی پرواہ نہیں کرنی, نفع نقصان اپنی جگہ, اپنے گول کو حاصل کرنا ہے کہ میں نے اس سوسائٹی میں کامیاب بزنس مین کیسے بننا ہے. اس کے لیے جو ٹولز استعمال ہوں گے, یہ میں مخاطب ان لوگوں سے ہوں جن کو جابز نہیں ملی اور جن کو فیملی سے کوئی سپورٹ نہیں ملی اور انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بزنس کرنا ہے, اپنے لیے جاب کریٹ کرنی ہے اور لوگوں کو جاب دینی ہے. جس دن میں نے یہ سوچ لیا کہ میں بزنس کروں گا اور میں نے جو خواب دیکھا ہے اس میں عروج حاصل کرنا ہے, تو پہلے دن میں نے اس کمپنی کا ایک نام چوز کیا اور اس کا لیٹر پیڈ پرنٹ کروانے کے لیے میں انارکلی پرنٹنگ پریس میں چلا گیا. میرے جیب میں صرف 200 روپیہ تھا اور اس آدمی نے کہا جی 500 لیٹر پیڈ چھپوانے کے لیے آپ کو 500 روپے کی ضرورت ہے. 200 روپے ایڈوانس دیا اور لیٹر پیڈ پرنٹ کروا کے اور میں 3 دن کے بعد واپس لینے گیا اور میرے اندر ایک فیلنگ آ گئی تھی کہ میں اس کمپنی کا نام آج میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اس کا مالک ہوں گا. ایک ایسا آدمی کہ جس کو جاب نہیں اچھی ملی, اس کی کوالیفیکیشن پوری نہیں ہے اور وہ انتہائی پسماندہ علاقے سے ہے, اندرون شہر کی گلیوں سے نکل کے, اور آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں ایلیٹ کلاس میں انٹر ہونا چاہتا ہوں اور یہ ساری جو ریسٹرکشنز ہیں یہ توڑ کے جانا چاہتا ہوں. میں کسی سے کچھ پیسے شاید ادھار لے کے وہ اپنے لیٹر پیڈ لے کے آیا, تو جب لیٹر پیڈ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے ایک عجیب سی خوشی ہوئی کہ یہ کمپنی میں نے تیار کی ہے اور میں اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. پہلے دن اس سے, وہ آج تک میرے پاس لیٹر پیڈ پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر میں نے جب بیٹھا کہ اس کے ایسٹس کیا ہیں کمپنی کے, اس کی لائبریلٹی کیا ہیں, تو اس دن جو اس کے ایسٹس تھے وہ 0 تھے اور جو لائبریلٹی تھی وہ 300 روپیہ تھی جو میں نے اس کو دے کے لے کے آیا تھا. یہ خواب اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مسلسل محنت, یہ ایسی چیز ہے کہ جب 10 سال کے بعد میں اس لیٹر پیڈ پہ اپنے ایسٹس لکھ رہا تھا تو میں حیران تھا کہ یہ کہیں اس کو میری نظر نہ لگ جائے, وہ 1000 ملین سے بڑھ چکے ہوئے تھے. تو 1 ملین کی خاطر ہم پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے آپ کو کامیاب بزنس مین بنانا چاہیں اور کامیابی کی طرف, ناٹ اونلی کامیاب بزنس مین, ایک کریڈیبل جس پر لوگ اعتماد کر سکیں. جو لوگ بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے مختصر وقت میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب بزنس میں آنا چاہیں, میری خواہش تو ہے کہ ہر آدمی کوالیفیکیشن پوری کر کے آئے, کیونکہ جو نقصان ہمیں کوالیفیکیشن پوری کرنے نہ کرنے کے ہوئے وہ آپ لوگوں کو نہ ہوں. اب گریجویشن کر کے اگر بزنس میں آنا چاہتے ہیں, کوئی ایک آئٹم آپ چوز کر لیں,
कोई एक आइटम अपनी पसंद की, आप अपना ख्वाब जो बना रहे हैं इस पर कोई सेक्शन नहीं है, आप अपनी पसंद का ख्वाब बनाएं। आप आईटी के बिजनेस में आना चाहते हैं उसको चूज कर लें, आप टेक्सटाइल के बिजनेस में आना चाहते हैं उसको, जो आपकी मर्जी कोई एक आइटम आप चूज कर लें, उसके बाद आपने उसके लिए 10 साल का टारगेट मुकर्र कर लें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और जो कुछ लोगों को मैंने देखा जो सेल्फ मेड थे उनको इतना अरसा लग जाता है, 8 से 10 साल उनको लग जाता है। और ये जरूरी नहीं कि 10 साल वो मुसलसल मेहनत की हों, पहले 1 साल में ही आप अपने आप को एम्प्लॉय कर लेते हैं, अपनी सैलरी उस काम से निकलनी शुरू हो जाती है। जितनी आप जैसे जो लोग आपके हमसर हैं अगर वो किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो 1.5 साल के बाद आप उतने पैसे अर्न कर रहे होंगे उसी काम से जितने वो सैलरी में ले रहे हैं। 2-2.5 साल के बाद आपने 1-2 आदमी एम्प्लॉयज रख लिए होंगे, 4-5 साल के बाद आप अपना ऑफिस स्टैब्लिश कर चुके होंगे, 5-6 साल के बाद आपको मंजिल नजर आनी शुरू हो चुकी होगी जो आपने ख्वाब देखा है। लेकिन इसकी वाहद शर्त यह है कि सिंगल आइटम चूज करें, अपने आप को अपने दिमाग को सलाहियतों को बचा के रखें, सिंगल आइटम चूज करें, सिंगल मार्केट चूज करें और उस पर अपने आप को 10 साल के लिए वक्फ कर दें। ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद कोई हर्डल आए तो आप परेशान हो गए, छोटे छोटे टारगेट बनाते जाएं और 10 साल का पीरियड अपने लिए वक्फ कर लें। 10 साल में इसलिए कह रहा हूं कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 साल के बाद जब आप समझें कि आप परेशान हो रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि आप उस क्लास से निकल के आए हैं, आपके पेरेंट्स ने कोई सपोर्ट नहीं किया आपको, पैसे में पैसा भी नहीं है, अब टूल जो आपके पास हैं वो सिर्फ 3 हैं। पहला टूल जो मैंने इस्तेमाल किया वो खुश अखलाकी का था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में खुश अखलाक मशहूर हो जाएं कि आदमी मिलनसार है, खुश अखलाक है। दूसरा टूल ईमानदारी का कि अगर आपने अपने आप को ये साबित कर लिया अपनी कम्युनिटी में कि आप एक ईमानदार शख्स हैं, आप सच बोलते हैं, आप वादा पूरा करते हैं, तो वो इन चीजों के साथ। और तीसरी जो चीज है वो मुसलसल मेहनत किसी एक आइटम के ऊपर, किसी एक मार्केट में। ये 3 टूल्स ऐसे हैं कि अगर आप ये तीनों की काउंटल बना लें और मुसलसल 10 साल इसके ऊपर काम करें, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम आज से शुरू हो सकता है। यूनिवर्सिटी में जो लोग आपके कोलीग्स हैं, जो आप इकट्ठे 200-250 जो नौजवान हैं, आजकल तो जिस तरह फेसबुक की बात हो रही थी, हमारे जमाने में नहीं था, फेसबुक में या यूनिवर्सिटी में आप एक कम्युनिटी बना लेते हैं, 200-250 आदमी आपका जानने वाला है और आपके दोस्त हैं, और उस 200-250 आदमी में आप मशहूर हो गए हैं कि ये खुश अखलाक भी हैं, ईमानदार भी हैं और ये सच बोलने वाले आदमी हैं। अब यूनिवर्सिटी जब फारग होकर बाहर जाते हैं तो आप वो 200-250 आदमी किसी 200-250 जगह पे जाके बैठेगा, कोई टेक्सटाइल के शोबे में जाएगा, कोई अपना बिजनेस करेगा, कोई बैंकिंग में चला जाएगा। जिनके पास कोई सोर्स नहीं है उनके पास ये सबसे बड़ा सोर्स है कि आप अपने कनेक्शन इस्तेमाल करें, अपनी दोस्तियां इस्तेमाल करें, अपने लोग जो इर्द गिर्द हैं जिनमें आपने क्रेडिबिलिटी बना रखी है वो इस्तेमाल करें। इन चीजों के साथ 8 से 10 साल अगर लगे हों किसी भी आइटम के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, वो स्पोर्ट्स है, आप कोई म्यूजिक सीखना चाहते हैं, लेकिन मुसलसल अगर आप करेंगे उसमें इतने इतने मुश्किल मरले भी आएंगे कि कई बार आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद मैंने लाइन गलत चूज कर ली है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ अपनी और जो मेरे साथ लोग 90s में हम जब यूरोप और अमेरिका गए अब एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, मैंने एक आइटम चूज की कि मैंने जीन्स का ट्राउजर लेके जाना है और इसको सेल करना है। अब मैं इसको पहले यूके मार्केट में लेके गया, अमेरिका चले गए तो चूज की कि मैंने इसको यूएसए में ही काम करना है। अब हमारी जो पाकिस्तान की, जो हम लोगों की जो बिजनेस हिस्ट्री है वो मैक्सिमम 20-25 साल की है। इससे पहले सारे ही या जॉब करते थे जो दुकानदार थे, जब अब 30-35 साल कह सकते हैं, हमें शायद उतना उस वक्त नॉलेज नहीं था कि बिजनेस को कैसे, मार्केटिंग कैसे करते हैं। उस वक्त शायद एमबीए भी नहीं होता था, ये लेट अर्लीज में 80s की बात बता रहा हूँ,
जब मैं लेके गया आइटम जीन्स की पैंट, तो आगे जो बैठे हुए लोग हैं वे यहूदी हैं, उनकी बिजनेस हिस्ट्री है 100-200 साल की। उन्होंने जीन्स की पैंट मेरे सामने रखी तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी जीन्स की पैंट है। ये मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो मैं समझता हूं वन की है, एक किसी भी आप बिजनेस में जाएं उसको एक आइटम चूज करके उस पर मेहनत करने की। तो मुझे उसने कहा जी ये जीन्स की पैंट तो बहुत अच्छी है, आपके पाकिस्तान से जो फैसलाबाद में बेडशीट्स आती हैं मुझे वो भी चाहिए, मैं उसका बिजनेस करना चाहता हूं। तो मैंने कहा जी मैं आपको उनके नंबर दे देता हूं, आप उनसे रब्ता कर ले, मैं वो नहीं करता, मैं जीन्स की पैंट बेचना चाहता हूं और इसी के ऊपर मैंने स्टडी की है, यही मेरी पावर है और इसी के यही मेरा टूल है। दूसरे के पास गए, उसने कहा जी मैं तो टॉवल्स का बिजनेस करना चाहता हूं, आपके पाकिस्तान में तो टॉवल्स बड़ा अच्छा बन रहा है, आ रहा है। उस वक्त भी मैंने अपनी आइटम पर फोकस रखा कि मैं जीन्स की पैंट सेल करना चाहता हूं, टॉवल जो बनाते हैं मैं आपको उनके नंबर दे देता हूं, आप उनसे रब्ता कर लीजिए। आगे गए, तीसरा बंदा भी यही कह रहा है जीन्स की पैंट तो ठीक है हम ले लेंगे आपसे, लेकिन आपकी सियालकोट में जो लेदर जैकेट्स बनती हैं मैं उनका बिजनेस करना चाहता हूं, वो मुझे बताएं कि आप सैंपल ले जाएं। मैंने ये चीज अपनी ख्वाब में देख रखी थी कि मैंने एक आइटम लेना है, चाहे उसमें मुझे कोई तरकीब दे, मैंने इसको छोड़ना नहीं। और मैं क्योंकि एक आइटम के ऊपर फोकस था और उसी पर अपनी सलाहियतें सारी लगा रहा था और उसमें मैं कामयाब हो गया। जब मेरी कामयाबी का आगाज हुआ वो चार पांच साल के बाद, मुझे अपनी वो मंजिल, वो ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ गया कि जहां मैं जाना चाह रहा था, कुछ ज्यादा अरसा नहीं, ओनली 4-5 साल के बाद। स्ट्रगल का अरसा काफी लंबा था, लेकिन जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो वो स्ट्रगल का अरसा जो आपको 10 साल लगता है वो बिल्कुल इतना कम लगता है कि इतनी जल्दी मंदिर आ गए। लेकिन जब शुरू करना है तो 10 साल आपको लगता है इसे बहुत ज्यादा इसमें टाइम है। इसमें एक और चीज, एक तो ये सिंगल आइटम हो गई और सिंगल मार्केट में आपने फोकस करना है, दूसरा ये है कि जब आप कारोबार करते हैं उसमें नुकसान होते हैं, उसमें फायदे होते हैं, आप बार बार गिरते हैं उभरते हैं, अपनी नाकामियां अपनी खामियां ये किसी लोगों से शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी नाकामियों से अपनी खामियों से खुद सबक सीखें, लोगों के आगे रोने की जरूरत नहीं है। वो एक शेर है कि हर किसी से मुसीबत का हाल कहना मुसीबत से बढ़ गया है ये मुसीबत ज्यादा, कि आप अपनी मुसीबतें लोगों से शेयर ना करें, लोगों को आप एक क्रेडिबल मजबूत असाब वाला आदमी बन के रहें और उनको शो भी यही करें, फिर ही लोग आप पर एतमाद कर सकेंगे। क्योंकि आप वहां बिजनेस करना चाह रहे हैं जहां आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप तो पेरेंट्स ने आपने पैसे दिए हैं आपको बिजनेस करने के लिए तो फिर तो आप जिस तरह चाहे उनको यूज करें और बिजनेस करें, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ईमानदारी जो आपने अपनी कम्युनिटी में शो की है, जिस पर आप फोकस हैं, वही आपके टूल होंगे और वही आपको आगे लेके चलेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ रास्ते की रुकावटें बनती आएंगी, आपने उनको अबूर, उनको आगे गुजरना कैसे है, मैं आपको छोटा सा अपने एक दो वाक्य सुना दूँ, आप खुद उसमें से जज करेंगे कि कौन सी ऐसी सलाहियत थी खुदा दाद जिसने हमें आगे बढ़ने में मदद दी। क्योंकि खुदा का वादा मुझे मेरे जहन में पहले दिन से था कि खुदा ने वादा कर रखा है इंसान से कि जितनी वो कोशिश करेगा, अगर वो मुसलसल मेहनत करे ईमानदारी से, तो खुदा उसको कामयाबी अता फरमाएगा, ये उसका वादा है। तो अगर खुदा का वादा हो और आप 10 साल का अरसा अपने लिए वक्त पर रखा हो और मुसलसल मेहनत कर रहे हो और ईमानदारी से कर रहे हो, तो कोई वजह नहीं है कि आप अपने बिजनेस में कामयाब ना हो। इसमें कोई शर्त नहीं है कि बिजनेस किस किस्म का हो, आप अपनी पसंद का बिजनेस चूज करें और वो ख्वाब जो आपने पहले दिन देख रखा है उसको अपने अंदर जिंदा रखें, उसको बार बार जिंदा रखें। जब भी कोई मुश्किल आए, वो ख्वाब आपका इतना प्यारा है कि मुश्किलें उसके आगे बहुत छोटे लगेंगी, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने आप ख्वाब देख क्या रखा है। अब ज़हनी सलाहियतें जो खुदा ने दी हैं आपको, उसमें उस ज़हनी सलाहियतों को आप इस्तेमाल करके अपने लिए एक फिल्म बना सकते हैं कि मैंने पहले साल, दूसरे साल, पांचवें साल या 10th ईयर में मैंने यहां तक पहुंचना है। यह आपकी अपनी सलाहियत है, आपने ख्वाब देखा हुआ है बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के अपनी पसंद का,
उसकी रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी वो उस ख्वाब से बहुत कम होंगी। जो जितना खूबसूरत ख्वाब होगा कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, आपके मिलियनर छोड़ के आप बिलियनर हो गए हैं, आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट की कि आप हमारे ये पैसे लें, आप फैब्रिक लें और आप बना के इसको बेचें। अब मैंने कहीं से फैब्रिक क्रेडिट पर लिया है, कहीं से स्टिचिंग क्रेडिट पर करवाई है, उसकी शिपमेंट तैयार करके उसको क्रेडिट पर शिपिंग लाइन के हवाले किया है। उस वक्त कोटा उसके ऊपर लगता था, कोटा भी क्रेडिट पे लिया। अब ये सारी चीजें को 20-25 लाख की बन के एक्सपोर्ट जब हुई, अमेरिका पहुंची तो वहां एक हादसा हो गया पोर्ट के ऊपर, बड़ी लंबी स्टोरी है। उस हादसे की वजह से मुझे रात को 12 बजे फोन आया मेरे भाई का, उन्होंने कहा कि वो जो माल वहां पहुंचा था वो तो खराब हो गया सारा, बारिश की वजह से माल वो इंस्पेक्शन हो रहा था तो उसमें लेबल आपने लगाया वो था जर्मनी का, जर्मनी की लैंग्वेज में, तो वो इंग्लिश वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा अब क्या होगा, उन्होंने कहा जब तो इतनी बारिश हो रही थी, इतना ख़राब हो गया है माल वो कि अब वो बिकने के काबिल नहीं रहा, तो आप इसे टोटल लॉस समझें। अब आप देखेंगे अपने 3 साल के अरसे में हमने जो क्रेडिबिलिटी बनाई, ईमानदारी से बनाई, अब 3 साल जब पूरे होने के हैं और मैं समझता हूँ कि मुझे मैं अपनी लाइन पर चढ़ चुका हूँ, एक ही आइटम में हमने सारे जो एग्जाम एक ही बास्केट में डाल के भिजवा दिए थे और वह सारी बास्केट टूट गई। 12 बजे रात को मुझे फोन आता है, 1 बजे फिर आता है, 2 बजे फिर आता है कि जी कंप्लीट लॉस है, आप इसे उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। अब उस रात में शायद सो नहीं सका, सेकेंड डे सुबह मैं 9 बजे उठ के तैयार हुआ, और क्योंकि मैंने मेरा जो ख्वाब था वो बड़ा खूबसूरत था कि मैंने मिलियन नहीं बिलियनर बनना है। उस ख्वाब के पूरा करने के लिए ये छोटा सा नुकसान, क्योंकि ये पैसों का नुकसान था, इसमें मेरी क्रेडिबिलिटी का नुकसान नहीं हुआ, मेरी ईमानदारी का नुकसान नहीं हुआ, मैं सच बोल के बिजनेस कर रहा था, उस वजह से मेरे ऊपर कोई शक नहीं कर सकता था, बड़ा जेन्युइन रीजन था। इसके बावजूद ये रीजन मैंने लोगों को नहीं बताया, अपनी नाकामी अपनी खामी अपने अंदर छुपा के रखी। सेकेंड डे मैं सुबह उठा, जो मेरे पास सबसे कीमती सूट था वो पहना, रेड टाई लगाई, जितने मेरे पास परफ्यूम थे वो मैंने सारे लगाए, जितनी क्रीम्स फेस क्रीम थी मैंने लगा के, और मैं अपने ऑफिस में जाके बैठ गया। ऑफिस में बैठ गया तो जो लोग आ रहे हैं, अब किसी को तो नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ, मेरी वाइफ मेरे साथ कमरे में थी, उसको भी नहीं पता कि मैंने कितना बड़ा लॉस हो गया। उसने कहा कुछ परेशानी है, मैंने कहा नहीं, कारोबार की मामला था, सुबह हो जाएंगे। अब सेकेंड डे सुबह जाके जो लोग मेरे वेंडर्स मेरे पास आए, उनसे हमने पिछली जो पेमेंट्स है उसकी हमने बाद में बात की, जो अगला कंटेनर तैयार करना था, जो अगली शिपमेंट तैयार करनी थी, उसकी बात स्टार्ट कर दी। अब मेरे फेस पे कोई ऐसी मायूसी नहीं है, क्योंकि मैं मायूसी को गुनाह समझता था कि अगर आपने ख्वाब देख रखा है और खुदा के वादे पर आपको यकीन है तो फिर आपको उसी खुदा ने कहा हुआ है कि मायूसी से गुनाह है, क्योंकि आप मायूस होते हैं तो आप खुदा के जो है वादा उस पर आपको यकीन नहीं है। हमने अपने उस, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उस मुसीबत से हमने कैसे निकले, कि हमने 15 दिन के अंदर उन्हीं वेंडर से अगला कंटेनर तैयार करवा लिया। अब अगला जब कंटेनर तैयार करवाया और उसको हमने बाई एयर अमेरिका भिजवा दिया, उसमें नफा नुकसान हमने सोच, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मिलियनर बनना नहीं चाह रहे थे, हम कामयाब बिजनेसमैन बनना चाह रहे थे। हमने 15 दिन के अंदर वो कंटेनर जब बनवा के अमेरिका भेज दिया, क्योंकि वो बाई एयर गया था, उसकी पेमेंट भी हमें 20 दिन के अंदर अंदर पहुंच गई। वो पेमेंट लेके हमने जो पहला कंटेनर लॉस हुआ था उन वेंडर को पेमेंट दे दी। जब उनको पेमेंट 5-10 दिन लेट पहुंची लेकिन पहुंच गई, उन्होंने दोबारा हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया। अब हम एक कंटेनर लॉस में आ गए, यानी पिछले कंटेनर का पेमेंट दे रहे हैं नए कंटेनर से। इस सिलसिले से यहां से हमारी वो जो 93 में हमारे साथ ये नुकसान हुआ और उसको हम इस तरीके से लेके आगे चले और उसमें अबूर हासिल करके 10 साल के बाद हम एक अपनी इंडस्ट्री लगाने में कामयाब हो चुके थे। मैं बिगेस्ट कोटा होल्डर था पंजाब में अमेरिका के लिए, और उस वक्त हम डेनिम का क्योंकि बिजनेस करते थे और इतना ज्यादा किया कि लोगों ने हमारा नाम ही मिस्टर डेनिम डाल दिया,
न्यूयॉर्क में हमें जो लोग कॉल भी करते थे वो मिस्टर डेनिम के नाम से, क्योंकि एक आइटम थी, हमारे पास और आइटम थी कोई नहीं। अभी भी न्यूयॉर्क में से अगर कोई पाकिस्तान में बाहर आए, उसने अगर डेनिम परचेज करनी है, वो हमारी फैक्ट्री में काम करे या ना करे, एयरपोर्ट पर उतरते ही उसको पता चलता है कि हाँ एक पार्टी ऐसी बैठी हुई है जो सिर्फ डेनिम का काम करती है और किसी तरफ उसका ध्यान नहीं है, सारी एफर्ट्स उसने इधर लगा रखी। तो ये थी, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, मैंने आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाया है। तो इसमें ये अली साहब ने कहा है कि अभी क्वेश्चन और आंसर क्या है, तो मैं हाजिर हूं। अब जो मैंने एक दो आपको कहानी सुनाई है छोटी सी। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि एक स्टूडेंट को, एक तालिबे इल्म को कैसे पता लगता है कि उसका जो रुझान है वो बिजनेस की तरफ है, क्योंकि हम आमतौर पर जो पढ़े होते हैं वो पढ़ाई, एक MBA जो पढ़ रहा होता है वो भी नौकरी की तैयारी कर रहा होता, और जो सारी एजुकेशन हमारी है वो है ही नौकरी बेस्ड, हम जेन बना रहे होते हैं अपना नौकरी का। ये कैसे पता लगेगा किसी भी तालिबे इल्म को जो मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन में है कि मैं बिजनेस में बेहतर रहूंगा? उसके लिए जो मैंने पहले शेर पढ़ा था कि शायद कोई तेशा बदस्त इधर से गुजरे, मैं एक मुजस्मा हूं पत्थर में सो रहा हूं। इस शेर से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया था बाद में कि अगर कोई पत्थर इंतजार करे किसी संतराश का वो तो समझ आती है, अगर जीता जागता इंसान किसी संतराश की तलाश में या उसके इंतजार में अपना वक्त जाया करे वो ठीक नहीं है। इंसान के अंदर खुदा ने दोनों सलाहियतें पैदा की हुई हैं, वो बयक्त वक्त एक खूबसूरत मुजस्मा भी है और उसी वक्त वो एक संतराश भी है। वो अपने आप को खुद, मैं उन लोगों से मुखातब हूँ जो बिजनेस में आना चाह रहे हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस नहीं है, जिनको फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं अपनी मिसाल लेके आया हुआ हूँ, आपको मोटिवेट करने आया हुआ हूँ कि अगर आप सोच लें कि आपने कामयाब बिजनेसमैन बनना है और 10 साल का वक्फा रखें अपने जहन में कि 10 साल मैंने, और ये 10 साल बड़े खूबसूरत होंगे, ये जरूरी नहीं कि आप कि 10 साल में आप कुछ भी ना ले सकें, आप पहले साल से ही अपने आप को एम्प्लॉय कर लेंगे, आप दूसरे साल में एक दो एम्प्लॉय रख चुके होंगे, छोटे छोटे टारगेट लें। जैसे मेरा टारगेट था कि मैंने लेटर पैड तो प्रिंट करवा लिए हैं, अब मेरे पास एक ब्रीफकेस भी होना चाहिए जिसमें मैं डाल के इसको ऑफिस बनाऊं, जब वो मिल गया बड़ी खुशी हुई। एक ऑफिस होना चाहिए जहां पर मैं बैठ के काम भी कर सकूं, मुझे एक ऐसा ऑफिस मिला छोटा सा जिसमें मेरी टेबल और मेरी चेयर थी और आगे दो बंदों के बैठने की जगह थी बस। अब मेरा तीसरा ख्वाहिश ये थी कि मेरा कोई ऐसा ऑफिस हो जिसमें एक मेरे मैनेजर के बैठने की जगह हो और उसमें खिड़की भी हो, बाहर भी देख सकें। ये छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते गए और ख्वाब क्योंकि बहुत बड़ा था उस सिनेरियो में, हम जब छोटी छोटी चीजें देखते थे तो हमें लग रहा था कि हम उस सिमत पे जा रहे हैं कि एक एक ईंट रख के जा रहे हैं, किसी लॉटरी निकलने का इंतजार नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि पैसा कमाना मेरा टारगेट था ही नहीं, पहले दिन से पैसा कमाना टारगेट नहीं था, कामयाब बिजनेसमैन, एक क्रेडिबल बिजनेसमैन बनना टारगेट था और उसी सिमत में मैं जा रहा था। ये भी जरूरी नहीं कि इंसान को ये एकदम पता चल जाए कि मैं बिजनेसमैन हूं, किसी लम्हे वो चेंज हो सकता है। मैं जब पहली जॉब के लिए घर से निकला तो अपनी FA की सनद की मैंने फोटोकॉपी करवाई और फोटो स्टडियो में चला गया, वहां पर एक इंपोर्टर थे बड़े अच्छे साहब, तो मैं जब एंटर हुआ ऑफिस में तो वो साहब अभी आए नहीं हुए थे, तो हम तीन चार लड़के थे, हमने टेबल पर बिठा दिया उन्होंने कुर्सी पर, हम उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। वो 15-20 मिनट जो उसका इंतजार करना था वो मेरे जहन पे इतना ग्रां गुजरा कि जब साहब, मैंने कहा मैंने साहब को देख के जाना है। अब साहब आए अंदर, बड़ी उस वक्त उन्होंने अमेरिकन, उनके पास गाड़ी थी, तो मैंने उनको पूछा ये बिजनेस करते हैं, ये इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। मैं वहां से उठा और ऑफिस से बाहर आ गया कि अगर कामयाब बनना है तो फिर मैं इसका क्लर्क क्यों बनूं, मैं क्यों ना बिजनेसमैन बन जाऊं। ये चीज थी कि मैं नीचे आया हूं और मैंने अपनी दरख्वास्त लिखी थी उसके, मैं फाड़ता आ रहा हूं फोटो स्टेडियो में और पैदल मैं घर से, क्योंकि सवारी थी कोई नहीं, तो उसको मैं एक एक पीस उसका गिराते जा रहा हूं। और मैंने सोच लिया कि मैंने कोई जॉब नहीं करनी, मैंने अपना ही बिजनेस करना है, चाहे एक लेटर पैड के ऊपर उसकी कंपनी हो, चाहे उसकी एसेट्स जीरो हो। यानी मैं वो शख्स हूं जो एसेट्स लेने की बजाय, जब बिजनेस शुरू किया उस वक्त एसेट्स की बजाय मेरे पर
उसके ऊपर लाइबिलिटी थी, फिर जो लेटर पे प्रिंट करवाए उसके पैसे भी बाद में दिए। तो ये एक हुज्जत कायम कर दी कि कोई बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है। वो टूल्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ईमानदारी, मुसलसल मेहनत किसी एक चीज के ऊपर, आप अपने जहन को संभाल के रखें, क्योंकि बिजनेसमैन ने अच्छे फैसले करने हैं तो फायदा होगा, बुरे फैसले करेगा तो नुकसान होगा, उसने अपने हाथ से कोई काम नहीं करना। आपका माइंड, आपका ब्रेन जितना आप फ्री रखेंगे छोटे छोटे झगड़ों से, छोटे छोटी टेंशन से, उतने ही आप ज्यादा कामयाब होंगे। अब खुदा ने जो सलाहियत दी हुई है ब्रेन की, सेन की, इसमें आप अपने मुस्तकबिल की भी फिल्म बना सकते हैं, इसमें आप मुन्नी को बदनाम भी कर सकते हैं, शीदा की जवानी का रोना भी रो सकते हैं। असल है कि आपका फोकस क्या है, आपने ख्वाब क्या देख रखा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, एक्सट्रीमली ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट लीव योर प्लेस, प्लीज कम ऑन द लेफ्ट साइड, वी हैव द ऑनर टू इनवाइट वन ऑफ द वेरी डिग्निटरीज अराउंड। I'll request again Dr. Irfan Saab to be on the stage, please. He'll be kind enough to hand over this gift to Munir Bhatti Saab. ऐसे सवाल जो आपके रह गए हों और आप फिर भी मिलियनर होना चाहें तो उनसे सेपरेट टाइम ले लीजिएगा, मे बी ही कैन बी ए गुड हेल्प।